हेलो एवरीवन, वेलकम टू फील फ्यूर कोड। इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे कि हम बहुत सिंपल से 6 स्टेप को फॉलो करके जावा एप्लीकेशन से एक एक्सेल सीट क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो वो 6 स्टेप कौन से हैं, आइए समझते हैं। सबसे पहले हम एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेते हैं एक्सेल सीट को राइट करने के लिए। एक्सेल सीट को क्रिएट करने के लिए क्लिक करेंगे क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट पर, क्लिक करेंगे जावा पे एंड देन क्लिक ऑन नेक्स्ट। एक कमांड प्रॉम्प्ट जो टेम्पलेट है, कमांड लाइन एप्लीकेशन, वो क्रिएट कर लेते हैं। सो बाद में हम इसको देखेंगे जावा एफएक्स एप्लीकेशन से या फिर स्विंग एप्लीकेशन से हम इसको कैसे इसको अप्लाई करते हैं, कैसे चीज़ें काम करती हैं। तो प्रोजेक्ट का नाम मैं यहाँ पे रख देता हूँ एक्सेल डेमो। ओके, एक्सेल डेमो एंड देन प्रोजेक्ट हमारा रेडी है। नाउ आपको क्या करना है, सबसे पहले जो हमको एक्सेल सीट यूज राइट करने के लिए जो जार फाइल की ज़रूरत है, सबसे पहले वो डाउनलोड करना। सो स्टेप नंबर वन है जार फाइल को डाउनलोड करना है। तो google.com पे आएंगे और यहाँ पर हम लिखेंगे JXL jar। ठीक है, JXL jar आप यहाँ पर टाइप करोगे, जो फर्स्ट ही लिंक आपको मिलेगा यहाँ से आप जार फाइल डाउनलोड कर लीजिए। ओके, क्लिक करेंगे 2.6 जार जिप पे, जो कि 603 KB का है। ठीक है, सो ये डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड होने के बाद आपको एक ये जिप फाइल मिलेगा, आपको इसे एक्सट्रैक्ट कर लेना है। सो उस पर राइट क्लिक करके आप इसे एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। सो ये एक्सट्रैक्ट होकर आपको एक फोल्डर में मिल जाएगा। यहाँ पर आप फोल्डर में जाओगे तो यहाँ पर आपको एक जार फाइल मिल जाएगा। ठीक है, नाउ आपको क्या करना है, अपने IDE पे आना है और यहाँ पर जाएंगे फाइल पे, प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर पे। अगर आप इंटेलिजी आइडिया यूज़ कर रहे हैं तो ये सेम स्टेप है, लेकिन अगर आप नेटबीन्स एक्लिप्स यूज़ करते हैं तो उसमें लाइब्रेरी को इंक्लूड करने का जैसा भी ऑप्शन है आप उसको यूज़ उसको फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, सो लाइब्रेरीज़ में जाएंगे, लाइब्रेरीज जाने के बाद क्लिक करेंगे जावा पे, और जहाँ पे भी आपने अपना जार फाइल रखा हुआ वो उस पर आप जाके उसे सेलेक्ट कर लेंगे और इसे ओके करके इसे इंपोर्ट कर लेंगे अपनी लाइब्रेरी को, अपने इंटेलिजी आइडिया में या फिर अपने किसी भी IDE में। ओके, ना जो सेकेंड स्टेप है हमारा वो है एक वर्कबुक क्रिएट करना। वर्कबुक का मतलब है एक एक्सेल सीट जो फाइल है ना वो क्रिएट करना है। सो जैसे ही हम एक्सेल सीट क्रिएट करते हैं, सबसे पहले हम क्या जाते हैं, स्टार्ट मेन्यू पर जाके यहाँ पर टाइप करते हैं एक्सेल और एक्सेल पे एंटर प्रेस करते हैं और उसको सेव एज करके न्यू फाइल क्रिएट करते हैं। वही सेम चीज़ हमको यहाँ पर करनी है। तो उसके लिए हमारे पास एक लाइब्रेरी क्लास है वर्कबुक। ठीक है, उसका यूज़ करके हम एक फाइल क्रिएट करेंगे। सो हमने यहाँ पर कहा राइट वर्कबुक, यहाँ पर हमने कहा वर्कबुक डॉट, यहाँ पर आए क्रिएट वर्कबुक, इसे फाइल ऑब्जेक्ट देना। तो हमने यहाँ पर कहा न्यू फाइल ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और उसको हमें फाइल का नेम पास करना है। तो हमने यहाँ पर कहा फर्स्ट वर्कबुक डॉट XLS। ठीक है, ये हमारी वर्कबुक फाइल का एक्सटेंशन है। तो जैसे ही मैं क्रिएट करूँगा यहाँ पर मुझे एक ऑब्जेक्ट मिलेगा जो कि होगा राइटेबल वर्कबुक का। सो मैंने यहाँ पर कहा राइटेबल वर्कबुक और इसे मैंने वर्कबुक वेरिएबल में होल्ड किया, क्योंकि ये यहाँ पे एक्सेप्शन थ्रो करता है। तो मुझे एड एक्सेप्शन सिग्नेचर मैंने यहाँ पर ऐड किया, आप ट्राई कैसे भी इसे हैंडल कर सकते हैं। तो ये क्या करेगा, एक वर्कबुक हमको एक क्रिएट करके दे देगा। जैसे इसने प्रोग्राम को मैं रन करता हूँ और आपको दिखाता हूँ इससे क्या होगा, इससे एक वर्कबुक क्रिएट हो जाएगा हमारे प्रोजेक्ट की डायरेक्टरी में। ठीक है, ओके, सो जैसे ही रन हुआ आप देखोगे यहाँ पर फर्स्ट वर्कबुक ये एक फाइल यहाँ पर क्रिएट हो चुका है। मैं आपको डायरेक्टरी से ओपन करके इसे दिखाता हूँ। तो जो फोल्डर है, प्रोजेक्ट फोल्डर है यहाँ पर मैंने रखा हुआ है, ये मेरे पास यहाँ पर फोल्डर है, इसके अंदर एक्सेल डेमो है, यहाँ पर मैंने क्रिएट कर दिया है फर्स्ट वर्कबुक डॉट XLX। ठीक है, तो ये हमारा सेकेंड स्टेप था जिसमें हमने एक एक्सेल फाइल को क्रिएट किया। नाउ हमारा थर्ड स्टेप है एक सीट क्रिएट करना। ठीक है, ये थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग है कि एक हमने ओपन किया, एक फाइल ओपन कर लिया तो उसमें तो सीट ऑटोमेटिक हो गया होगा, तो ऐसा नहीं होता है। मैगजा यहाँ पर अपने विंडोज़ में एक सीट ओपन यहाँ पर किया हुआ है, आपको दिखाता हूँ कैसे ये काम करता है। मैंने एक ब्लैंक वर्कबुक यहाँ पे सीट क्रिएट किया, तो वर्कबुक तो बना है लेकिन आप देखोगे यहाँ पे एक सीट ऑटोमेटिक मेरे को क्रिएट करके मिला। तो ये सीट अब हमें क्रिएट करना है। ठीक है, तो ये बाय डिफॉल्ट है, लेकिन अगर मैं जो एक्सेल शीट मैंने क्रिएट किया उसमें से ओपन करूँगा तो वो कहेगा इनवैलिड फाइल, क्योंकि मैंने सीट क्रिएट नहीं की है। तो मुझे ये सीट मैनुअली क्रिएट करना होता है यहाँ पे। तो मैं सीट क्रिएट करूँगा। नाउ सीट क्रिएट करने के लिए जो हमारे पास ये ऑब्जेक्ट है वर्कबुक का, इस पर मैं कहूँगा वर्कबुक डॉट क्रिएट सीट। ठीक है, क्रिएट सीट में मैं स्ट्रिंग नेम पास करूँगा, नेम का मतलब ये जो सीट का नेम है ना ये मुझे देना है। तो यहाँ पर मैं सीट का नेम पास कर देता हूँ, मैंने कहा सीट वन। ठीक है, एंड देन यहाँ पर आपको इंडेक्स पास करना, तो ये फर्स्ट है, तो अगर एक भी नहीं है तो मुझे जीरोथ इंडेक्स पे इसको पास करना पड़ेगा। मैंने यहाँ पर प्लस किया तो ये कहाँ पे आया, ये फर्स्ट इंडेक्स है इसका, ये है जीरोथ इंडेक्स, ये फर्स्ट इंडेक्स, वन इंडेक्स। तो मुझे अभी स्टार्टिंग में करना है इसको जीरोथ इंडेक्स पे जो सीट है वो क्रिएट करना है। ये मुझे एक राइटेबल सीट का ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा। ठीक है, सो मैंने यहाँ पर कहा राइटेबल सीट, सो राइटेबल सीट मुझको मिल चुका है, ये मैंने एक सीट क्रिएट कर दिया। ठीक है, ये हमारा रहा सेकेंड स्टेप। ठीक है, सेव करेंगे इसको। तो नाउ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है, फोर्थ स्टेप, वो क्या है। सो नेक्स्ट स्टेप में वो क्या करना है, डेटा फिल करना है। ठीक है, सीट क्रिएट कर लिया हमने, अब हमको यहाँ डेटा फिल करना है। मैंने यहाँ पर एक नेम लिखा वीरेंद्र, एंड देन सेकंड यहाँ पर लिखा वीरेंद्र, के बाद मैंने पटेल, एंड देन यहाँ पर लिखा चैनल का नाम, फील फ्री टू कोड, जस्ट सिंपल कुछ भी लिखा। ठीक है, सो यहाँ पर मैंने क्या किया, तीन सेल्स क्रिएट की हम, जो ये जो फर्स्ट एक जो दिख रहा है ना आपको ये बॉक्स, इसको हम कहते हैं सेल। तो ये इंडेक्स होता है सेल में, ये मैंने कहा ये जीरोथ इंडेक्स पे है, ये फर्स्ट इंडेक्स वन, एंड ये सेकंड टू इंडेक्स है।
ठीक है, मैं अगर इंडेक्सिंग करता हूँ 0, 1, 2, इस तरह से ये इंडेक्सिंग होती है। लेकिन आप यहाँ पे देखोगे कि ये रो है, ठीक है, ये रो है और ये कॉलम है। तो ये किस पोजीशन पे, मैं आपको बता दूँ, ये है 0 रो पे और 0 कॉलम है इसका। नाम इसका क्या है, 0th रो पे है लेकिन फर्स्ट कॉलम पे, ठीक है। तो इस तरह से मैं इसको यहाँ पर बताता हूँ, इसकी इंडेक्सिंग करता हूँ, ठीक है। सो यहाँ पर वही सेम चीज़ हमको यहाँ पर करना है। सो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, सेल क्रिएट करेंगे, ठीक है। सो राइटेबल सेल क्रिएट करेंगे। सो सेल को बनाने के लिए हमारे पास जो क्लास है वो राइटेबल सेल, ठीक है, क्लास, ठीक है, या फिर इंटरफेस, इंटरफेस है राइटेबल सेल। तो यहाँ पर हमने क्रिएट किया सेल। तो मैं दिखाता हूँ आपको ये सेल क्या है। तो आएंगे हम क्रोम ओपन करेंगे और यहाँ पर आप गूगल में सर्च करना है JXL API। जो फर्स्ट ही लिंक मिलता है आपको यहाँ पर जो है पूरा API मिल जाता है, जो मतलब उसमें क्या क्या क्लासेस है, इंटरफेस, वो सारा कुछ आपको यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। सो यहाँ पर आएंगे तो आप जावा डॉक्स फाइल, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। सो यहाँ पर हम जाएंगे जावा डॉक्स पर क्लिक करेंगे तो ये आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन मिल जाएगा जो हम यूज़ कर रहे हैं 2.6.10, इसको आप देखेंगे तो यहाँ पर ये सारा कुछ आपको मिलेगा कि कौन कौन सी क्लासेस है, कौन कौन सी पैकेजेस है। तो राइट में जाएंगे यहाँ पर और जो हमने यूज़ किया अभी सेल, ठीक है, राइटेबल सेल। तो ये रहा राइटेबल सेल एक इंटरफेस, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो इंटरफेस का हम ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते, उसकी सब क्लासेस हैं, सब क्लासेस कौन कौन सी है। तो यहाँ पर आप देखोगे बूलियन, ब्लैंक, सेल वैल्यू, डेट, टाइम, फॉर्मूला, लेबल, नंबर। तो ये क्यों है, तो उसको हम देखते हैं। तो अगर आपको नंबर सेल क्रिएट करना है, कोई ऐसी सेल है जिसमें नंबर वैल्यू, तो आप नंबर सेल क्रिएट करेंगे। लेबल है तो लेबल वैल्यू, लेबल मतलब कोई स्ट्रिंग आपको देना है, तो स्ट्रिंग के लिए लेबल। तो हम अभी स्ट्रिंग क्रिएट करेंगे, तो यहाँ पर मैं एक लेबल का ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँगा। तो नाउ मैंने यहाँ पर कहा न्यू लेबल, और लेबल में आपको यहाँ पर एक वैल्यू पास करनी है, ठीक है, वैल्यू और इंडेक्स जो रो है और कॉलम के, आपको कहाँ पर उसको इंसर्ट करना है। जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर आपको यहाँ पर इंसर्ट करना है तो रो क्या हो गया 0, कॉलम हो गया 0 एंड देन वैल्यू वीरेंद्र, ठीक है। सो मैं आपको डॉक्यूमेंटेशन फॉलो करना सिखाता हूँ कैसे डॉक्यूमेंटेशन देखा जाता है। लेबल पे क्लिक करेंगे, सो लेबल में क्या क्या कंस्ट्रक्टर्स हैं वो आपको यहाँ मिल जाएंगे। लेबल में क्या क्या कंस्ट्रक्टर्स हैं, कॉलम, रो और यहाँ पर कंटेंट आप पास कर सकते हैं। दूसरा कंस्ट्रक्टर है कॉलम, कॉलम, रो, कंटेंट और सेल फॉर्मेट, मतलब कलर वगैरह ऐड करना है तो इस तरीके से। तो फर्स्ट कंस्ट्रक्टर है, मैं उसको कॉल करूँगा यहाँ पर। सो कॉलम देना है एंड रो देना है उसको। तो मैंने यहाँ पर कहा जो कॉलम इंडेक्स हमारा 0 है, रो हमारा यहाँ पर जो भी 0 है, एंड देन कंटेंट पास करना है, तो मैंने यहाँ पर पास किया वीरेंद्र, ठीक है, इस तरह से। नाउ इसको अगेन उसको कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पर, और उसको हम दे देते हैं सेल वन, एंड देन यहाँ पर मैंने कहा कॉलम रहेगा वो हमारा 1 रहेगा इस बार, और रो सेम रो रहेगी, सेम रो पे हम डेटा डालना चाहते हैं। तो यहाँ पर मैंने कहा, इसके बाद मैंने यहाँ पर पटेल इंसर्ट किया, एंड देन मुझे क्या करना है, मैंने यहाँ पर कहा राइटेबल सेल, अगेन एक और यहाँ पर क्रिएट कर लेते हैं। सो मैंने यहाँ पर कहा सेल नंबर 2, और यहाँ पर कॉलम में वो रहेगा 2, इस बार रो सेम रहेगी, सेम रो पे मैं डेटा डाल रहा हूँ। यहाँ पर मैंने कहा फील फ्री टू कोड, ठीक है, सेव करेंगे इसको। नाउ इससे क्या होगा, हमारा जो एक सेल क्रिएट हो जाएगी, जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल बनाया, इस तरह से हमारा जो डेटा वो इंसर्ट हो जाएगा, ठीक है। नाउ ये था हमारा फोर्थ स्टेप। नाउ देखेंगे फिफ्थ स्टेप क्या है। नाउ हमारा फिफ्थ स्टेप है कि जो वर्कबुक हमने क्रिएट की है, अभी ये हमने क्रिएट की है, हमारे पास जावा में ऑब्जेक्ट है, लेकिन इसमें जो डेटा हमने ये क्रिएट किया है ना, इसको हमने राइट नहीं किया है, ठीक है। सो राइट करना होगा इसको, और राइट करने से पहले क्या करना है, सीट में हमको ये सेल को ऐड करना होगा, ठीक है। तो सीट में हम सेल को ऐड करेंगे, सबसे पहले तो हमने यहाँ पर कहा sheet.addSell, ठीक है, ऐड सेल में ये तीनों जो सेल हैं वो हमें पास कर दूंगा। नाउ कॉपी कर दिया मैंने इसको, नाउ यहाँ पर मैंने कहा 1 एंड देन यहाँ पर मैंने कहा 2, ठीक है। तो इस तरह से मैंने क्या किया, सिंपली जो सेल है उसको मैंने ऐड किया है सीट में, ठीक है। तो यहाँ पर ये एक्सेप्शन थ्रो करता है, तो मैं माउस ओवर करूँगा, जो सिग्नेचर है वो हम यहाँ पर ऐड करेंगे, ये एक राइट एक्सेप्शन यहाँ पर थ्रो करता है। तो इस तरह से जो सीट में जो सेल ऐड हो जाएंगे, देन हमको जो फाइनल स्टेप है यहाँ पर, हमको इसको राइट करना है सीट को। सो यहाँ पर मैं कहूँगा workbook.write, ठीक है। सो इस तरह से क्या होगा, वर्कबुक राइट हो जाएगी, देन जब आप कोई रिसोर्स यूज़ करते हैं, कोई फाइल यूज़ करते हैं अपने सिस्टम में, तो उसे क्लोज करना होता है, ठीक है। फिफ्थ स्टेप है वो है इसको क्लोज करना। तो हमारा फिफ्थ स्टेप है, इसको क्लोज कर देंगे वर्कबुक को, क्योंकि हमने लिख दिया उसको ना, हम उसको यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो हमने यहाँ पर कहा क्लोज, ठीक है। सो यहाँ पर मैं कहूँगा क्लोज। तो इस तरह से मैंने जो वर्कबुक है, राइटिंग का काम कंप्लीट हुआ, तो मैंने इसे क्लोज कर दिया। नाउ ये जो स्टेप्स मैंने आपको बताया, सिक्स स्टेप्स, इससे हमको एक सीट मिलेगी जिसमें ये सारा डेटा होगा, ठीक है। नाउ इसे रन करते हैं और इसे हम एक बार देखते हैं आउटपुट हमारा क्या है, ठीक है। ये एप्लीकेशन रन हुआ, एंड रन होने के बाद ये प्रोसेस जो है फिनिश हो गई। यहाँ पर एक फाइल बन चुकी है, तो फाइल को ओपन करेंगे, डायरेक्टरी में जाएंगे, फर्स्ट workbook.xlx को ओपन किया, सो ओपन हो रहा है फाइल, ठीक है। सो यहाँ पर फाइल ओपन हुआ और आप देखोगे इसका नाम क्या है, सीट वन, वैल्यूज़ क्या आई हैं, वीरेंद्र, पटेल एंड देन फील फ्री टू कोड, यहाँ पर वैल्यू आई हुई है, ठीक है। सो ये इस तरह से यहाँ पर जो सीट है हम क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो परफेक्टली जो सीट है हमने क्रिएट कर लिया, ये बहुत सिंपल से जो सिक्स स्टेप्स थे हमने उनको फॉलो किया और हमने एक सिंपल सा सीट क्रिएट कर लिया, ठीक है। सो आने वाले नेक्स्ट वीडियो में हम इसको देखेंगे और भी डिटेल में, सीट में और कैसे यहाँ पर काम किया जाता है वो हम यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। सो इस वीडियो में इतना ही, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोज़ मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि आप उससे आने वाले जो वीडियोज़ हैं उसके नोटिफिकेशन आपको मिलेंगे, तो आप मिस नहीं कर पाएंगे नेक्स्ट वीडियोज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़।